अरे अभिषेक, तू इस पेट्रोल पंप पे काम करता है क्या? डॉली, तुझे अफसोस नहीं हो रहा कि तेरा एक्स बॉयफ्रेंड एक पेट्रोल पंप के यहाँ पे वर्कर है? दुख क्यों होगा, एक्चुअली मुझे तो खुशी हो रही है, क्योंकि ये जो डिजर्व करता था ना वही कर रहा है। तुझे पता है मैंने इसे ब्रेकअप क्यों किया? क्योंकि हमेशा ना ये अपनी गरीबी और छोटी जेब लेके घूमता रहता था और मेरे से कहता था कि बेबी हम लोग ना शादी करेंगे। शायद ये भूल गया था कि हम दोनों का स्टैंडर्ड ना कहीं से भी मैच नहीं होता। अब तुझे तो पता ही है कि मेरे भाई का ज्वेलरी का बिजनेस है, तो इसका और मेरा स्टैंडर्ड तो कहीं से भी मैच नहीं होता। अच्छा हुआ ना कि इससे मैंने ब्रेकअप कर लिया, इसको इसकी औकात का भी तो पता लगना चाहिए। चलो अच्छा ही है कि तुझे इससे छुटकारा मिल गया, वरना तू खुद सोच तेरी और तेरी फैमिली की कितनी बदनामी होती अगर तेरी इससे शादी हो गई होती तो। अब ज्वेलरी का बिजनेस है तो हीरे और पत्थर में तो फर्क करना पता ही है, और मुझे अच्छे से पता चल गया था कि ये ना पत्थर है जो कि किसी काम का नहीं है, और इस पटीचे से शादी करेगा भी कौन। और तुझे पता है हमेशा ना एक ही बात कहा करता था कि डॉली मैं ना तुम्हारे लायक बनूंगा और लोग ना मुझे मेरे नाम से जानेंगे, हमारे पास अपना खुद का घर होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, और आज देखो ये लोगों की महंगी महंगी गाड़ियों में ना पेट्रोल भर रहा है। वैसे सैलरी कितनी मिलती है तुझे? अरे मिलती होगी 4-5 हजार, क्योंकि औकात ही इसकी इतनी है। बस यार सिर्फ 4-5 हजार रुपए? तुझे पता है ये ना अपनी गाड़ी में इतने का तो पेट्रोल डलवा लेती है, और तू बेचारा बस महीने के 4-5 हजार रुपए कमा पाता है। सैड यार। तुम्हें फ्यूल डलवाना है तो डलवाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। ओहो आकड़ तो देख इसकी। अरे शीतल छोड़ना यार, जिसकी किस्मत में जितना होगा उसको उतना ही तो मिलेगा, और इसकी किस्मत में ना यही है जो ये डिजर्व करता है, और अगर मैं इसके साथ होती ना तो अपनी तरह मुझे भी फर्नीचर बना देता। अब देख क्या रहा है, फ्यूल डाल गाड़ी में। सर ये क्या कर रहे हो आप? सॉरी सर मैं वॉशरूम के लिए गया था इसलिए लेट हो गया। एक सेकंड, तुम दोनों आपस में एक दूसरे को सर बुलाते हो क्या? मैं कुछ समझा नहीं मैडम। तुम्हें किस एंगल से ये सर लगता है? मैम ये क्या बोल रहे हो आप, ये वर्कर नहीं इस पंप के मालिक है ये। क्या? ये यहाँ का ऑनर है? जी मैडम। विनय तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ। ठीक है। अगर तू इस पंप का ऑनर है तो तू खुद क्यों फ्यूल भर रहा है? मैं कोई यहाँ फ्यूल नहीं भर रहा था, मैं तो बस मीटर चेक कर रहा था, इतनी देर में तुम आ गए और यहाँ पे कोई था नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही फ्यूल भर देता हूँ, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उस भी पेट्रोल पंप भी मेरा है तो किसकी फ्यूल टैंक में फ्यूल डालने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ तक मैं अपनी मेहनत से पहुंचा हूँ और ये पेट्रोल पंप मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। आज मेरे पास वो सब कुछ है जिसके मैं सपने देखा करता था, और भगवान का शुक्र है कि तुम्हें मेरी लाइफ से निकाल दिया, नहीं तो तुम्हारे सपने पूरे करते करते मैं अपने सपने तो भूल ही जाता। और हाँ किसी ने सही कहा है, जो भगवान करता है ना वो अच्छे के लिए ही करता है। और एक बात और, मेरे इस पेट्रोल पंप पर तुम्हारे लिए कोई फ्यूल नहीं है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा स्टैंडर्ड मैच नहीं करता। अब एक काम करो, अपनी इस खटारों को लेके यहाँ से निकल जाओ।